आखिर लाल रंग की क्यों होती है सिनेमा हॉल की सीट? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। जापान में बच्चों को रुलाने के लिए अलग से क्यों बनाए जाते हैं कमरे? और लिफ्ट में क्यों लगा होता है शीशा? आइसक्रीम खाने पर क्यों लगती है ज्यादा प्यास? वजह जानकर ज्यादा आइसक्रीम खाने से परहेज करने लगेंगे आप। एक ऐसा देश जहां उल्लू खरीदने के लिए पैसे देती है सरकार, और क्या आपने कभी खाए हैं QR कोड वाले आम? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर वन, दुनिया के विभिन्न धर्मों के लोग स्वर्ग और नर्क जैसी चीजों पर यकीन करते हैं, जहां मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से जगह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी जगह भी है जिसका असल में नाम नरक यानी हेल है। ये अजीबोगरीब जगह नॉर्वे में है, जिसे हेल टाउन के नाम से जाना जाता है। इस गांव में स्कूल से लेकर अस्पताल, पुलिस स्टेशन और पब्लिक प्लेस का नाम भी हेल ही है, क्योंकि नॉर्वे के लोगों का मानना है कि हेल शब्द जिंदगी में गुड लक और सकारात्मकता लेकर आता है। यही वजह है कि नॉर्वे सरकार ने देश में हेल नाम का गांव ही बसा दिया, ताकि यहां हमेशा खुशहाली और सकारात्मकता बनी रहे। अपने इस यूनिक नाम और परंपरा की वजह से हेल टाउन नॉर्वे में काफी ज्यादा फेमस है, जहां लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर टू, किसी भी शादी या पार्टी में लजीज खाना हर किसी की पहली पसंद होता है। हालांकि इसके बाद जूठे बर्तन धोने वालों का काम और मेहनत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आमतौर पर जूठे बर्तन धोने के लिए पानी और साबुन का यूज किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी रेत से बर्तन की धुलाई होते हुए देखा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मलेशिया के एक गाँव में जूठे बर्तन धोने के लिए पारंपरिक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए ना तो पानी की जरूरत होती है और ना ही साबुन की। इस पारंपरिक तरीके में रेत के ढेर में जूठे बर्तनों को डुबो दिया जाता है, जिसके बाद रेत को हिलाते हुए बर्तन के चारों तरफ घुमाया जाता है। ऐसा करने से बर्तन के ऊपर लगी गंदगी, चिकनाई और बचा हुआ खाना रेत से चिपक जाता है, जिसके बाद उस रेत को बर्तन से खाली कर दिया जाता है। आखिर में बर्तन को एक साफ कपड़े की मदद से पोंछ लिया जाता है, जिसके बाद वो बर्तन दोबारा यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इस पारंपरिक तरीके से बर्तन धोने पर शादी या पार्टी के दौरान ज्यादा पानी या साबुन का खर्च नहीं होता है, जबकि आम लोग डिस्पोजल का इस्तेमाल करने से भी बचते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी को प्लास्टिक के कचरे से बचाया जा सकता है। फैक्ट नंबर थ्री, गर्मी के सीजन में आइसक्रीम खाने का अपना एक अलग मजा है, जो अलग अलग फ्लेवर्स और मिठास के साथ होती है। यूं तो लोग गर्मी से राहत पाने के लिए आइसक्रीम खाते हैं, जो शरीर को तरल यानी पानी देने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान दो या उससे ज्यादा आइसक्रीम खा लेता है तो उसे ज्यादा प्यास भी लगने लगती है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर आइसक्रीम जैसी ठंडी और तरल चीज खाने के बाद इंसान को प्यास क्यों लगती है? दरअसल आइसक्रीम को बनाने के लिए विभिन्न फ्लेवर्स के अलावा नमक और चीनी का यूज किया जाता है, जिसमें से नमक में काफी ज्यादा मात्रा में सोडियम पाया जाता है। जब कोई इंसान ज्यादा आइसक्रीम खाता है तो उसके शरीर में सोडियम और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें हमारे ब्लड सेल्स में पानी को अवशोषित करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसान को प्यास लगने का एहसास होता है। अगर आप प्यास बुझाने के लिए ज्यादा आइसक्रीम को खाते हैं तो बॉडी में सोडियम और शुगर की मात्रा बढ़ने की वजह से प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बेहतर होगा कि आप सीमित मात्रा में आइसक्रीम को खाएं, ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। फैक्ट नंबर फोर, किसी भी इंसान के लिए जूतों के अंदर जुराब पहनना एक पर्सनल चॉइस होती है, जिसके लिए व्यक्ति से जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। लेकिन ब्रिटेन में सालों से एक ऐसे नियम का पालन किया जा रहा है, जिसके तहत अगर कोई इंसान शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले सदस्य, राजा या रानी के सामने जुराब पहनकर नहीं आता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है। दरअसल ब्रिटेन के शाही नियम के अनुसार जुराब पहनना एक अहम चीज है, और अगर कोई इंसान महारानी या महाराजा के सामने और उनसे 90 मीटर की दूरी तक जुराब नहीं पहनता है तो शाही परिवार का अपमान माना जाता है। शाही परिवार का अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया जाता है, जिसके बाद जुराब ना पहनने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। ब्रिटेन में ये नियम इतनी सख्ती से लागू किया गया है कि शाही परिवार की किसी भी रैली में शामिल होने वाला व्यक्ति गलती से भी जुराब पहनना नहीं भूलता है, वरना उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। फैक्ट नंबर फाइव,
जब कोई बच्चा रोता है तो उसके माता पिता और टीचर उसे चुप कराने की कोशिश में लग जाते हैं, जिसके लिए वो बच्चे को अलग अलग चीजों से बहलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां बच्चे को चुप करवाने के लिए नहीं बल्कि उसे रुलाने के लिए नियम बनाया गया है। जापान के ज्यादातर स्कूलों में एक खास तरह का कमरा होता है जहां स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कभी भी जाकर खूब रो सकते हैं। दरअसल इस देश में ज्यादातर बच्चे कम उम्र में ही तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रो नहीं पाते हैं और ना ही अपने दिल की बात किसी से शेयर कर पाते हैं। जापान सरकार ने स्कूलों में रोने वाला कमरा बनाने का नियम लागू किया है जहाँ लड़के और लड़कियाँ जी भर कर रो सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ उनके मन का दुख बाहर निकलता है बल्कि वो डिप्रेशन का शिकार होने से भी बच जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, गर्मी का सीजन आते ही बाजार में आम का फल दिखने लगता है जो खाने में बेहद मीठा और स्वादिष्ट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब भारतीय बाजारों में QR कोड वाला आम बिकता है, जिसे स्कैन करने पर आपको ये पता चल जाएगा कि आम किस बाग से आया है। दरअसल हमारे देश में मलिहाबादी आम की डिमांड काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए ग्राहक को कोई भी आम मलिहाबादी बताकर बेच देते हैं। इसकी वजह से न सिर्फ धोखाधड़ी होती है बल्कि ग्राहक को मलिहाबादी आम के स्वाद को लेकर भी डाउट रहता है। रहमान खेड़ा में एक कंपनी ने मलिहाबादी आम की सही पहचान करने के लिए QR कोड तकनीक को लागू किया है, जिसके तहत आम के ऊपर एक कोड बनाया जाता है। जब ग्राहक उस कोड को स्कैन करेगा तो उसके मोबाइल फोन पर मलिहाबादी आम से जुड़ी सारी जानकारी आ जाएगी। इस जानकारी में आम की वैरायटी से लेकर वो किस बाग से आया है, ये सब कुछ उपलब्ध होगा। मलिहाबादी आम के नाम पर कालाबाजारी और धोखाधड़ी करने वाले लोगों पर लगाम कसना आसान हो जाएगा, जबकि ग्राहकों को असली और अच्छी क्वालिटी वाला मलिहाबादी आम मिलेगा। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर जब किसी देश या शहर में चुनाव होते हैं और उसमें उम्मीदवार को जीत हासिल होती है तो सरकार की तरफ से नगर को चलाने के लिए उस व्यक्ति को पैसे यानी बजट मुहैया करवाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पार्षद के पद पर जीत हासिल करने वाले व्यक्ति को उल्लू खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका में ओहियो एक ऐसा स्टेट है जहां निगम पार्षद के चुनाव जीतने के बाद एक अनोखी परंपरा का पालन किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार अगर नया निगम पार्षद सरकार के पैसों से सबसे पहले उल्लू खरीदता है तो ये उस नगर और पार्षद के लिए गुड लक लेकर आता है। ऐसा करने से चुनाव के बाद पार्षद को अपने वादे पूरे करने में आसानी होती है, जबकि नगर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यही वजह है कि ओहियो में जब कोई नई सरकार बनती है या फिर उम्मीदवार पार्षद का पद संभालता है तो वो सरकारी खजाने से आने वाले पैसों से एक अच्छा और महंगा उल्लू खरीदता है। ये भी माना जाता है कि उल्लू जितना महंगा और अच्छी नस्ल का होता है उस पार्टी या व्यक्ति के लिए उतना ही ज्यादा गुड लक लेकर आता है, और इसी वजह से ओहियो में उल्लू खरीदने पर अच्छी खासी सरकारी रकम को खर्च किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, वर्तमान समय में बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों, मॉल, पब्लिक प्लेस और बिल्डिंग में लिफ्ट देखने को मिलती है, जिसकी मदद से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचना आसान हो जाता है। आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि लिफ्ट में चारों तरफ शीशे लगे होते हैं जिसमें अक्सर लोग अपना चेहरा देखने लगते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लिफ्ट में लगा शीशा शक्ल देखने के लिए नहीं होता है बल्कि इसे किसी दूसरे मकसद से लगाया जाता है। दरअसल लिफ्ट चारों तरफ से बंद होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर खड़े होने वाले व्यक्ति को अजीब सा महसूस होता है। लिफ्ट के अंदर शीशे में देखने से इंसान का ध्यान बढ़ जाता है, जबकि उसे लिफ्ट की गति और उसके बंद होने का एहसास भी नहीं होता है। अगर लिफ्ट में शीशा नहीं लगा होगा तो इंसान को घुटन महसूस होगी और इसकी वजह से वो लिफ्ट का यूज नहीं कर पाएगा। आम लोगों की सुविधा के लिए लिफ्ट में शीशे लगाए जाते हैं ताकि उन्हें लिफ्ट इस्तेमाल करने के दौरान घबराहट, घुटन या फिर छोटी सी जगह में फंस जाने जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोगों को मूवी थिएटर में फिल्म देखना पसंद होगा जिसकी सीट का रंग अमूमन लाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिनेमा हॉल की सीट का रंग लाल ही क्यों होता है, जबकि इसके लिए अलग अलग कलर ऑप्शंस भी हैं? दरअसल सिनेमा हॉल की सीट का रंग लाल होने के पीछे कई वजहें जिम्मेदार हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लाल बहुत ही तेज और चटक रंग है जो अंधेरे में आसानी से दिखाई देता है। अंधेरे में कम लाइट में लाल रंग को देखना आसान हो जाता है,
जिसकी मदद से लोग अपनी सीट को आसानी से खोज सकते हैं। वहीं जब सिनेमा हॉल में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है तो उस स्थिति में लाल रंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह से हॉल में पिक्चर देख रहे लोगों का ध्यान सीट के रंग पर नहीं जाता है और वो आसानी से फिल्म देखने का आनंद उठा पाते हैं। वहीं अगर थिएटर में पीले या नीले रंग की सीट होगी तो स्क्रीन से आने वाली लाइट की वजह से दर्शकों की आंखों में लाइट चमकने लगेगी, लेकिन थिएटर की सीट का रंग लाल होने की वजह से रोशनी टकराती नहीं है, जिसकी वजह से दर्शकों को फिल्म देखने में आसानी होती है, जबकि कम रोशनी में सीट ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।